Assalamu alaikum ji. Ejaz Akram is here with you. We are talking today about new style of government and little bit about American elections. And Kamran Nawaz sahab is with me. He is participating with this program. So let's see. जी आप अपना थोड़ा तारफ करा दें कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू। आज मुझे आपने अपना को होस्ट करने का मौका दिया। आपको पता है कि रूटीन के मुताबिक तो इस वक्त सिग्नेचर टॉक जो कि मैं वीकली प्रोग्राम करता हूँ वो होता है, तो आज का दिन आपके साथ होस्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है, थैंक यू। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो डिस्कशन है आज वो अच्छी होगी। जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि न्यू स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि वाकई ही एक बहुत अच्छा और उम्दा एक टॉपिक है हमारे सब लोगों के लिए, ताकि हम अपने लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि इसके हमारे लोगों के अंदर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना या उनको इस चीज के ऊपर अवेयरनेस दिलाना, ये बहुत बड़ी एक चीज है, क्योंकि हम एक फरसूदा निज़ाम के तहत चल रहे हैं और उस फरसूदा निज़ाम को तब्दील करने का तरीका एक यही है कि हम अपने लोगों को इस निज़ाम की अवेयरनेस पहुंचाएं, ताकि वो इस फरसूदा निज़ाम से निकल सकें। जी थैंक यू वेरी मच नवाज साहब, शुक्रिया। एक्चुअली मकसद इस प्रोग्राम का ये था, क्योंकि ये मेरी ये बुक है न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलफेयर लाइफ फॉर फेलो सिटीजन, कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खुश हों, क्योंकि एवरीथिंग एंड गोल इज हैप्पीनेस, सब चीजों का एंड गोल जो है वो हैप्पीनेस है। तो गवर्नमेंट भी जो रन करे, गवर्नमेंट बनाए चलाए, जो भी सिस्टम होना चाहिए वो भी इसी बुनियाद पे होना चाहिए कि आपके लोग उनकी जिंदगी खुश हो, वो एक हैप्पी हेल्दी वेलफेयर लाइफ यानी कि उनकी उनकी भलाई के लिए हो, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की लाइफ को बेटर करने के लिए, उनकी लाइफ को ईजी करने के लिए, क्योंकि लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए ये बुक मैंने लिखी थी 2015 या 16 में। इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न एंड वर्ल्ड वाइड डिफरेंट सेलर्स, आल्सो ऑन माय वेबसाइट एज वेल www.ajazakram.co.uk। एजाज ए के साथ है, ajazakram.co.uk। तो इसमें अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बहुत ज्यादा ये लंबी थोड़ी सी बुक है डिटेल के साथ है। इसमें मैं मेन हेडिंग्स आपको थोड़ी सी करूंगा, फिर आपसे आपकी राय लेता हूं। मेन उसका पहला एक ये है कि हेड ऑफ स्टेट एंड टीम सिलेक्शन, कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या उसका सिलेक्शन का तरीकेकार होना चाहिए। अभी देखें डेमोक्रेटिक सिस्टम इट्स गुड, पाकिस्तान में या इधर भी देख लें, ये पाकिस्तान में स्पेशली जो MPA MNA होते हैं, इधर भी MPs होते हैं, और अभी अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ है, कितना मतलब अभी वो चल रहा है कि उसने मेरे वोट चुरा लिए, उसने ये कर लिया वो कर लिया। आई मीन ये टू मच बर्डन होता है गवर्नमेंट पे, वो हमारे लोगों का टैक्सेस ही जाते हैं, अगर जितने ज्यादा MPA MNA या डिफरेंट डेलीगेट्स हों। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पब्लिक मनी इन लोगों पे ज्यादा ना जाए, जैसे पॉलिटिशियंस मैं अभी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिसनर ज्यादा पाकिस्तान से इंडिया से उस तरफ से हैं, उर्दू में हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में करते तो वो सबके लिए वो करते, लेकिन ये अभी हम अपने कंट्रीज में पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं कि देखें MNA MPAs कितने पैसे वो ले जाते हैं एवरी ईयर, वो जो है वो उनके वो खर्च अखराजात होते हैं, लेकिन मुल्क की हालत देखें, आम लोगों की हालत देखें किस कंडीशन में है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट एक बड़ा ही वाकई वसी सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं। एक तो दुनिया के अंदर वाजे दो किस्म के निज़ाम, जमहूरी निज़ाम चल रहे हैं, एक है सदारती निज़ाम और एक है पार्लिमानी निज़ाम जो कि बरतानिया और पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और एक सदारती निज़ाम जो कि अमेरिका के अंदर चल रहा है। हमारे अंदर ये पाकिस्तान के अंदर मुसलसल मैं कहूंगा कुछ अरसों से ये बहस चलना शुरू हो गई है कि आया कि हमें सदारती निज़ाम चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम जो कि मौजूदा एक पार्लिमानी निज़ाम है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि
जो इन पार्लियामेंट निजाम के तहत हमारे एमएनएज और एमपीएज के ऊपर जितना भी पैसा वो खर्च होता है हमारे टैक्स पेयर की मनी के लिए ही होता है, वो उसके ऊपर बहस की जा सकती है कि उनकी तनख्वाहों के ऊपर कितनी हो, मगर मेरे ख्याल में कि अगर हम पाकिस्तान को और इंडिया को देखें और हम अपने लोगों के मिजाज को देखें तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान को पार्लियामानी जो निज़ाम है वो बेहतर सूट करता है, क्योंकि इसके अंदर आप हमारे क्योंकि लोगों की इतनी ज्यादा मैच्योरिटी और सिस्टम की इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है कि वो सदारती निज़ाम के काबिल हो, क्योंकि हम लोगों के अंदर सॉरी से कहना नहीं चाहिए मगर कह देता हूं कि हम लोगों के अंदर अगर ताकत आ जाए तो हम उस ताकत को संभाल नहीं पाते और फिरौन बन जाते हैं। तो कम अज कम पार्लियामानी निजाम के अंदर आपको अपने एमएनएज और एमपीएस के टूटने का डर होता है और आपको अपनी सीट जाने का डर होता है, जबकि सदारती निजाम के अंदर वो बंदा आप कह सकते हैं कि वो मुतलकुल अनान की तरह काम करता है कि उसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, जैसा कि अमेरिका के अंदर जब वो कोई सदर बन जाता है तो ही इज एवरीथिंग, ही इज द लॉ, ही इज वट एवर ही सेज दिस इज द लॉ, गो के उनको भी सेनेट के अंदर से और कांग्रेस के अंदर से उनको लेनी पड़ती है, मगर स्टिल आई विल से द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट द सिस्टम ही इज रनिंग, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन यू नो इन द इंस्टीट्यूशन, आई विल से द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जबकि पार्लियामानी निजाम के अंदर जो कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये बरतानिया के अंदर भी पार्लियामानी निजाम है, इसमें वजीर आजम जो है वो खुद अपनी मर्जी करता है मगर वो मर्जी ऐसे नहीं कर सकता कि वो दूसरे लोगों की राय को इग्नोर करें, वो इग्नोर नहीं कर सकता जब तक उसको पार्लियामेंट इजाजत नहीं देगी, उस तक वो जो मेजर इकदाम है जिससे मुल्कों की एक हिस्ट्री तब्दील होती है, जैसे कि आपको मैं मौजूदा मिसाल देता हूं कि ये ब्रेक्सिट हुआ, आपने देखा होगा कि इस ब्रेक्सिट के बिल के पीछे तीन, मैं कहूंगा कि अगर ये वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी चले जाते तो हम कहते हैं बोरिस जॉनसन की भी छुट्टी हो गई इस ब्रेक्सिट बिल की वजह से, वो ये निजाम ही था कि हमारा जो पार्लियामान है बरतानिया का पार्लियामान वो सब के सब एक बिल के ऊपर राजी नहीं हो रहे थे और फिर वजीर आजम को वो सीट छोड़नी पड़ रही थी। अगर ये इसी चीज के ऊपर को देखें कि हाँ अगर यही चीज अमेरिका के अंदर होती तो सदर ट्रंप ने जो कहना था उसके हिसाब से वो साइन चलने थे और चल जाना था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इतने ज्यादा सियासत के लिहाज से मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो सदारती निजाम को करें, क्योंकि हम लोग ग्लैमराइज करते हैं, हम लोग शख्सियात की पूजा करते हैं, कोई भी हमारी सियासी जमात देख लें चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो या पीपी हो, हम वहां पर पॉलिसीज को नहीं डिस्कस करते, हम शख्सियत को पूजते हैं, और जब तक ये हमारे अंदर ये नेचर है शख्सियत को पूजने की उस सब तक हमारे लिए पार्लियामानी निजाम ही ठीक है कि कम अज कम आप किसी बंदे को उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर किसी ना किसी तरीके से हटा सकते हैं। सदारती निजाम हो तो नहीं, वो तो फिर वो स्याह और सफेद का मालिक बन जाएगा और जो भी करेगा वो तबाही की तरफ लेकर जाएगा। आफ्टर 18 अमेंडमेंट आई थिंक कि ये सहूलत भी ले ली गई है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। 58 हमारे लोगों की बेहतरी के लिए देख लें कि जब से पाकिस्तान बनाया कि कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आई, जब से देखें कि एक दूसरे को खींचते आ रहे हैं, मुल्क को लूटते आ रहे हैं, सारे पैसे लूट के बाहर आ जाते हैं मोस्ट ऑफ देम, जो ईमानदार बंदा है वो भी नहीं चल सकता, कोई ईमानदार बंदा आई डोंट थिंक सो कि वो वहां पे इलेक्शन लड़ सकता है जैसे हम इधर यूके में कोई भी खड़ा होके इलेक्शन लड़ सकता है। अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारे पाकिस्तान। तो इसके लिए या आपका मेन मकसद यह है कि वो प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो ऑल एंड ऑल हो जाएगा, लेकिन जो सिस्टम मैंने बताया बुक में वो रोल ओवर की बुनियाद पे है, ठीक है, अगर कोई बंदा काम सही नहीं आपकी, करता। आपकी किताब जो है वो प्रेसिडेंशियल और चांसलर, ये जर्मन का जो चांसलर है ना, उनमें से आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लो, ठीक है, तो उसमें यह है कि रोल ओवर की बुनियाद पे है, प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट होता है तो वो लोगों को परमानेंटली, जैसे एक वजीरों की फौज भर्ती की है ना, 5-10 एक्सपर्ट पीपल, कम से कम पीपल वो सिलेक्ट करे जो के डिपार्टमेंट को रन करें, डिफरेंट डिफरेंट उनको एरियाज दे दिए जाएं उनकी एक्सपर्टीज के मुताबिक और उनके पैशन के मुताबिक, पैशन होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब तक पैशन ना हो कुछ करने का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उनकी प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, रोल ओवर जैसे नहीं रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट होता, उनकी बुनियाद पे फिर उनको चेंज करते जाएं, जो अपना काम ठीक नहीं कर रहा उसको चेंज करते जाएं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां पे ये है इलेक्शन का, वोटिंग का, उसको वोटों को चोरी होने या जो जैसे उधर मोनोपोली होती है, या जैसे अभी अमेरिका में भी वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पोस्टल वोट्स में गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि फेस रिकॉग्नाइजिंग जो टेक्नोलॉजी है ना, फेक रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जैसे बायोमेट्रिक्स है इधर, तो फेस रिकॉग्निशन के साथ हर बंदा अपना वोट डाले ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर मेरे से आपसे एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर जाने से पहले, क्योंकि आप वो बात कर रहे थे कि रोल ओवर का सिस्टम जो एमएनए, यानी कि आप कहते हैं कि एक बंदा सिलेक्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन सिलेक्ट हुआ है, तो वो अपने जो एक्सपर्टीज रखने वाले बंदे हैं उन लोगों को लेकर आएगा। थोड़ा सा इसमें मैं एक क्वेश्चन भी करूंगा और थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूंगा कि एक तो जैसे अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो इनकी हिस्ट्री चलती आ रही है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन या ट्रंप या कोई भी है, जो भी उसकी पिछले दो साल से या डेढ़ साल से कैंपेन रन कर रहे थे, जो लोग भी आइदर फर्ज करने के मैं उनका एक कैंपेन रनर बन जाता हूं, जो उनकी इस कैंपेन रन करने के अंदर मदद कर रहा हूं, तो मोस्टली जो उसमें से वो लोग पिक करते हैं फिर वो अपने वजारतों के लिए और अपने कामों के लिए, ठीक है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए और इन ओहदों के लिए वो बड़े एक्सपर्ट जो लोग हैं वो लेते हैं। मगर आप ट्रंप की अगर देखें जो काबीना थी, तो उसके अंदर भी उनके इसी किस्म के जो उनकी मेन कैंपेन रन करने वाले बंदे थे उन लोगों को ओहदे दिए गए, मतलब कि टेक्नोक्रेट्स। अब अगर आप पार्लियामेंट्री निजाम देखें तो इसके अंदर भी आपको पाकिस्तान की, अगर मैं आपको मिसाल दूं, सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर भी टेक्नोक्रेट्स को आप जो है वजीर का ओहदा देकर आप उनको एक पर्टिकुलर जॉब दे सकते हैं, जैसे कि आपके मौजूदा जो वजीर खजाना है वो सियासतदान नहीं है, वो एज ए टेक्नोक्रेट पाकिस्तान के वजीर खजाना है। वो पहले इमरान खान के दौर में बने हैं, उससे पहले ये मुकम्मल जो पीपल्स पार्टी का दौर था उसके अंदर वो वजीर खजाना रहे थे और उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो वाली जो बात है ना कि एक्सपर्टीज हो, वो एक्सपर्टीज आप पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई यानी कि शायबे वाली बात नहीं है, वो चीज आप कर सकते हैं। बात है असल ईमानदारी की, कि ईमानदार कितने, ईमानदारी की कमी है हमारे मुल्क के अंदर। जी देखिये ना, जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनानी होती है तो आपको इतने एमएनए चाहिए, इस तादाद में एमएनए चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए वो बाइंग सेलिंग ये सारी चीजें होती हैं, ठीक, वो करप्शन की बुनियाद वहीं से शुरू होती है। उसके अलावा जिसने एमएनए बनना है या एमपीए बनना है तो वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो कोई बाइंडिंग नहीं है कि इतने आपने, वो है कानून में लेकिन उस पर अमल नहीं होता, ठीक है। तो जो बंदा इतने करोड़ खर्च करके आया उसने निकालने भी है, कैसे निकालेगा, वो करप्शन ही करेगा, जितने ज्यादा वो एमएनए एमपी होंगे उतनी ज्यादा करप्शन होगी, ठीक हो गया। और अब अगर ये फर्ज किया इमरान खान कोई फैसला करना चाह रहा है तो उसके अपने जो है वो लोग जो उसमें किसी बात में इन्वॉल्व होंगे तो वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, या किसी का माइंड उसमें नहीं है तो वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, वो भी कानून तब्दील हो गया, ठीक है। इसके लिए ये है कि मैच्योरिटी तभी आएगी, वो जो मैं आपको बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत कह रहा था, प्रेसिडेंट का एक टाइम पीरियड हो, उसमें अगर वो काम सही नहीं कर रहा लोग अपनी राय दें, फीडबैक जैसी होती है ना, उसी अपना उनका जो पोर्टफोलियो, जैसे बैंक का अकाउंट होता है बंदे का, वो बड़ा सिक्योर होता है इधर, अगर इस तरह जो है इसी तरह उसका एक पोर्टफोलियो बन जाए जिसमें वो जाके अपना वोट भी डाल सके ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन के साथ, और वो अपना ओपिनियन भी दे सके कि गवर्नमेंट ठीक चल रही या नहीं चल रही, और उसके हिसाब से उसको आगे चलना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता रहा, पहले भी अब देख लें इंडिया पाकिस्तान में दोनों तरफ यही हाल है, करप्शन है, जो पावरफुल है, जो जितना ज्यादा इसमें है वही पावर में आता इसमें है। इसमें हकीकत में कहूंगा कि जो असल मसला है इन दोनों निजामों के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मसला है इस निजाम को चलाने वाले लोग। अगर इस निजाम को चलाने वाले लोग, चाहे वो पार्लिमानी हो या वो सदारती निजाम हो, अगर जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे उस वक्त तक सिस्टम नहीं चलेगा।
असल मसला उन लोगों के चलाने का है, ना अहल लोगों के चलाने का है। अगर फर्ज करें कि एमएनए एमपीए वो कोई भी है, एमएनए एमपीए अगर आपका वो बन के आ जाता है, तो अगर वो उसको कोई इस वजारत दी जा रही है तो उस शख्स की अहलियत होनी चाहिए कि क्या वो लोगों से काम ले सकता है कि नहीं ले सकता। असल चीज है लोगों से काम लेना और एक टारगेट को अचीव करना। क्या लोगों के अंदर एक ऐसी चीज है? आई थिंक यू वांट टू गो ऑन टू द ब्रेक। बाकी बात हम बाद में आके करते हैं। छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं कि ईमानदारी के लिए कानून साजी में एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, डंडे के जोर पे जो पाकिस्तानी हमारे लोग ज्यादा मानते हैं, पूरी दुनिया में यही है। इधर भी अगर कानून ना तो ये देखें कितने exactly, वो करते हैं। इस चीज पे अग्री। हाँ जी, अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक में जा रहे हैं, तो बाकी बात फिर इसके बाद ब्रेक के बाद हम करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। As winter approaches, here's a critical reminder of coronavirus symptoms from Dr. Gupta. The main symptoms of coronavirus are a high temperature or a new continuous cough or a sudden loss or change in your sense of smell or taste. If you have any of these, to protect yourself and others, it is critical you isolate at home, even if you don't feel too bad. And you must book a test immediately. Use the NHS COVID-19 app or go to gov.uk/coronavirus. Stay alert. Control the virus. Save lives. Super Best Meze Grill, the Turkish restaurant where all our food is prepared to perfection. Our mixed grill family platters include lamb shish, chicken shish, Adana kebab, lamb ribs, chicken doner, lamb doner, chicken wings and lamb chops. And all are served with rice, salad, along with a selection of our cold mezes. To see our full menu, go to superbestmezegrill.co.uk. For the perfect dining setting, visit us now at 21 to 23 Broadway, Stratford, E15 4B, or call 020 8555 3335. Super Best Meze Grill. This is a message from the government. The law has changed. You must self-isolate if you test positive for coronavirus or are told to self-isolate by NHS Test and Trace. If you do not, you risk a penalty of £1,000 or more. Testing and isolating are vital to stopping the spread of coronavirus. Because this is so important, the government is now providing financial support for those who need it whilst self-isolating. You could be eligible for a £500 support payment if you're on low income and are unable to work because you're self-isolating. Find out if you're eligible at gov.uk/coronavirus. Break the cycle of infection, not the law. Stay alert. Control the virus. Save lives. This is Aisha. Her father died in an accident at a very young age. She lives with her mother and siblings. There are millions like Aisha who do not have access to the very basics of life, resulting in her and many others not being able to attend school. Through Minhaj Welfare Foundation, your charity is dedicated towards supporting the full needs of orphans and needy children around the world. Donate today. Call us now, 0300 3030 777, or visit us on minhajwelfare.org. Kebabish Original, one of the biggest names in the restaurant trade. Visit your local KO to experience the thrill of the grill and the most authentic Pakistani cuisine. From our kebabs to our curries and from our mixed platters to our peri peri, our chefs prepare your food in front of you while you wait. KO is now offering franchise opportunities. To take advantage of our proven and successful business model, contact us on 0208 446 7779, or visit kebabishoriginal.co.uk. Thousands of people who suffered sexual abuse as children have now been heard. It was wonderful to be finally listened to. The Truth Project, part of the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, will close in 2021. But for now, we're still here to listen, to hear your experience, and help create a safer future for children. Search Truth Project. I wash my hands to protect my family. I wear a face covering to protect my mates. I make space to protect my colleagues. Hands. Face. Space. I wash my hands to protect strangers. I wear a face covering to protect other passengers. I make space to protect you. Hands. Face. Space. As we spend more time indoors, we need to do whatever we can to help protect each other from coronavirus. So please, wash hands, cover face, make space. Revive FM 94.0. On the radio. On your mobile. And online. Welcome back, Ji. Thank you very much, Kamran Nawaz Saab. शुक्रिया सर आपका। तो ये अभी हम स्टार्ट कर रहे थे उस बात से, हेड ऑफ स्टेट्स के बारे में एंड टीम मेंबर्स को कैसे इसको सिलेक्ट किया जाए। इसको मैंने डिटेल से अपनी बुक है व्हाइट थर्ड वर्ल्ड वार,
उसमें मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म को कैसे प्रमोट करना है और फ्रॉम गवर्नमेंट विदाउट प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कैसे चूज करना है, इसी तरह की सारी बातें उसमें मैंने डिटेल के साथ लिखी हुई है, क्योंकि वो एक बुक हम डिस्कस करेंगे तो इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो बात हम कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या दूसरा पार्लियामानी सिस्टम हो, तो इस बारे में अभी लोगों को ये हम दे दें अगर सहूलत, जैसे मैं कह रहा था कि एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो हर किसी का बना हुआ हो जहां पे वो वोट भी करें और अपने राय भी दें कि ये गवर्नमेंट या ये मिनिस्टर काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, या किसी ने सजेशन देनी है तो वो भी दें। तो उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस तरह होना चाहिए जो लोगों की बातों को, जो कॉमन बातें हों, जो कॉमन कंप्लेंट हों उनको वो बाहर निकाले और सजेशंस हों जो अच्छी अच्छी उनको निकाल के, तो इस तरह वो आगे चलते रहें। तो अभी आप अपनी राय दें कि देखिए जैसे लोगों की लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, चाहे सिस्टम कोई भी हो, लाइफ आपके इस पॉइंट के ऊपर आने से पहले वो जो आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप कहना चाह रहे हैं कि वोटिंग का सिस्टम जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जी जी जी, ये एक बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर करने की कोशिश की है कि हम इस को लेकर आ जाएं, क्योंकि हमारा जो नादरा का सिस्टम है, आई बिलीव मैं आपको ये इस बड़े वसूख से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो नादरा का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिक्योर और सॉलिड सिस्टम है, और इसके ऊपर हम इन्होंने काफी कुछ किया भी हुआ था वर्क के इसके ऊपर, हम अपना शिनाख्ती कार्ड क्यों आप स्कैन करें इस तरीके से और उसके बाद आप वोट कास्ट कर सकते हैं, मगर इसके अंदर एक जो मेन ग्लिच आ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर जैसे हैकर्स होते हैं जी जी, और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती हैं, आपको नहीं पता कि उसके अंदर एक कोई ऐसा फार्मूला डाल दें कि इस किस्म के वोट इतने हो तो आप इस इलाके को इस बंदे को जिता दें। तो वो जो वोटिंग का सिस्टम होता है इट्स नीड्स टू बी वेरी सिक्योर। हाँ जी हाँ जी। तो वो हमारे नादरा ने खुद भी वो एक सिस्टम डिवेल्प किया हुआ है, वो किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि दरमियान में हम करेंगे कि हम उस सिस्टम के तहत लेकर आएंगे, उससे फायदा तो ये होगा कि फौरी तौर के ऊपर हो जाएगा, मगर अगर आप समझ ये अगर हो जाए इम्प्लीमेंट तो अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा सिक्योर यही होता है कि आप जैसे मैं कहूंगा कि चंद एक जगहों पे होता है कि आप अपना आईडी देते हैं, आईडी की बेस के ऊपर आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं और फिर आपका बैलेट पेपर निकलता है और बैलेट पेपर को आप करें, ये सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, इसके अंदर गलती नहीं हो सकती है। इसके अंदर ये सिक्योरिटी आपको आ जाती है कि आपने इस आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपका बैलेट पेपर निकल गया है और उस बंदे के थंब इम्प्रेशन से बैलेट पेपर निकला है, बैलेट पेपर जब प्रिंट हो जाए वो बैलेट पेपर निकल आए वो सर्टन उसके नंबर होंगे, फिर वो उसको लगाएंगे और चलेंगे। बाकी लोगों का निजामे जिंदगी कैसे बेहतर होगा ये बहुत वसी टॉपिक है। एक चीज जो आपने ब्रेक में जाने से पहले कही कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा मैं आपको उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रहा और मैंने उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, और जो मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी कमी है एक चीज की जो बिल्ट इन है, वो ये है कि दे डोंट फॉलो दे डोंट लाइक टू फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इट्स वेरी सिंपल, आप अगर मैं उस वक्त कहता होता था लोगों से कि आईएसओ 9001 को अगर आप पढ़ें और उसके सीधा सीधा पॉइंट्स को अगर आप पढ़ते जाएं तो आप देखेंगे, और आप अगर उन दिनों में कुरान पाक भी पढ़ रहे तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा निजाम हमारा कुरान पाक आपको बता देता है कि आपने कैसे किसी निजाम को चलाना है, मगर हम लोगों के अंदर एक आदत है कि हम आप उनके सामने आप लिख के भी दे दें, मैंने ये एक्सपीरियंस किया उनको लिख के भी दे दें कि ये प्रोसेस है आपने इसको फॉलो करना है, उस प्रोसेस को लिखने का मकसद ये होता है कि आप उस प्रोसेस को उतने ही वक्त में वैसे ही करेंगे तो जो एंड रिजल्ट आएगा वही आएगा जो उस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया, मगर हम लोग कहते हैं नहीं हम अपनी मर्जी से कर लेंगे हमें पता है हमने कैसे करना है, दे डोंट वांट टू फॉलो द प्रोसेस। दिस इज अ बेसिक जो है ना हमारा एटीट्यूड
ये आपको मैं एक कंपनी के अंदर की बात बता रहा हूं, दिस इज अ बेसिक एटीट्यूड जो है हमारे अंदर कि वी डोंट वांट टू फॉलो द प्रोसेस, वी डोंट वांट टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स, वी डोंट वांट टू यूनिटी एक होता है पैशन, हमने आगे की तरफ जाना है, इस चीज को आगे की तरफ लेकर जाना है, हम वो नहीं करना चाहते। इसी तरीके से हमें हमारे कानून, आप देखते होंगे बड़े अच्छे कानून बना लेते हैं, बहुत अच्छी चीजें बन जाती हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन जीरो। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून बन जाए, इम्प्लीमेंटेशन जीरो। उसकी वजह यह है कि दे डोंट इवन रीड दोज द लॉज, वो कानून को पढ़ते ही नहीं है, तो उन्होंने फॉलो क्या करना है। तो ये सबसे बड़ी मसला है हमारे पाकिस्तान के अंदर। आप जितनी मर्जी अच्छा, मैं कहता हूं आप सिद्धार्थी, आप कहते हैं कि जी इधर आके पाकिस्तान के अंदर, सॉरी टू से, अगर आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को वजीर आजम बना दें तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि नीचे जो लोग हैं वो ईमानदारी की तरफ नहीं जाते, इसलिए मैंने कहा फॉलो नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि डंडा भी साथ ना। हाँ जी, तो उसको सजा देनी चाहिए ना साथ साथ, जो उसको वो फॉलो नहीं, जिसने करते। जिसने डंडा चलाना है वो खुद ही फॉलो नहीं करना है तो आगे क्या, वही ना। इसीलिए कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो या बेईमानी जो है वो एक आर्ट समझी जाती है, उसको समझा जाता है कि ये क्लेवरनेस है हमारी, ये चलाकी है, ये शायद हमें बहुत ऊपर ले जाएगी, ये हमारे इंडो पाक में ये आम है। लेकिन इस कंट्री में देखिए, शख्सियत प्रस्ती तो वो बहुत ज्यादा है, टू मच है वो, दैट्स नॉट गुड। ये भी शिर्क की एक किस्म है ये शख्सियत प्रस्ती करना। ये देखें कि कौन अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, जो अच्छा काम नहीं कर रहा चाहे वो जितना भी अच्छा नजर आ रहा हो उसको अप्रिशिएट नहीं करें, उसको बताएं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब इस कंट्री में देख लें, इधर भी वोटिंग होती है, ये भी वोटिंग इतनी सिक्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इधर इलेक्शन में मैंने लड़ा इलेक्शन खुद, तो मुझे पता है इधर वोटिंग इधर भी इतनी सिक्योर नहीं है, ठीक है। पोस्टल वोट भी होते हैं उधर भी, लोगों ने एक घर में, मैं वो गया वोट मांगने के लिए, तो उसने कहा कि हमने तो अपने कुत्ते के नाम पर भी वोट रजिस्टर कराया हुआ, ठीक है। तो मकसद ये है कि वोटिंग का सिस्टम इतना शफाफ होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका में, आप देखें अमेरिका में कितना बड़ा वो कंट्री है, लेकिन उसमें भी अगर वोटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे तो इसका मतलब है कि इसको जो है बेटर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सिस्टम बनाना ना, लेट मी फिनिश प्लीज, या एक सिस्टम बनाना, जैसे आपने कहा नादरा का ये सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम उसको सिक्योर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अमेरिका का सिस्टम हो, चाहे वो इधर वोटिंग का सिस्टम हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, किधर उसको सिक्योर करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं कहता हूं कि हर निजाम के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, और हर निजाम के अंदर कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अगर आप इस निजाम की बात करते हैं, ठीक है, आप कई लोग कहते हैं कि ये पेंसिल के ऊपर लगा के देते हैं, क्योंकि हमारी हम पीछे से वो उस सोच को लेकर आ रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर सोच है जहां पर रिगिंग जो है एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, जहां पर वोटों को रिग किया जाता है, जबकि यहां पर आप इन लोगों को देखें, आप इनका इत्माद देखें अपने सिस्टम के ऊपर, ट्रस्ट करते हैं, हम उस ट्रस्ट का मिस यूज करते हैं, इत्माद देखें कि इनको पता होता है कि मैं अपना वोट कास्ट करके हूं और जो आगे लोग बैठे हैं वो भी उसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है, वो भी उसको चेंज नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लें, अगर वो बात वही है कि उसको मैनेज करने वाला शख्स बेईमान हो तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर बहस की जा सकती है कि मजीद इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सके, तो ये इस चीज के ऊपर इनकी पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कोई अपने वोटिंग के सिस्टम को बेहतर करने के लिए नहीं है इसकी मिसाल, क्योंकि मैनिपुलेट करना होता है ना उधर। हाँ जी, मैनूवरिंग करनी होती है। उसकी वजह यह है कि देखें, एक आपको मैं हिस्ट्री से मिसाल देता हूं कि इमरान खान साहब ने जलसा किया, जिस वक्त उन्होंने धरना किया, नवाज शरीफ उसको आए हुए एक साल हुआ था, तो उन्होंने आके किस बेस के ऊपर धरना किया कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, और उन्होंने कहा कि आप चंद हलके जो हैं उनको खोलें ताकि इसको मसले को हल किया जा सके, और फिर वो बात चलते चलते आपको सब लोगों को पता है क्या हुआ। अब सोचने की बात है कि उनका मेन प्वाइंट धरने का ये था कि आपने इलेक्शन के सिस्टम की रिफॉर्म्स करनी है। अब जबकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में थे जिस वक्त इमरान खान साहब, उस वक्त भी उन्होंने जो इलेक्शन की रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। इससे क्या जाहिर होता है कि ये तमाम सियासतदानों को
पता है कि अगर ये वाला सिस्टम रहेगा तो फिर हम किसी न किसी तरीके से किसी की मदद से हम हुकूमत में आ जाएंगे। अगर उधर सही निजाम बन जाए तो इनको भी पता है कि हमारी बारी नहीं आएगी, फिर खिचड़ी बनेगी। तो ये हमारे सियासतदान बुनियादी तौर पे बददियानत हैं, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से भी हो, वो खुद इस निजाम को दुरुस्त नहीं करना चाहते। उनको पता है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर आना है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरीम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, या इमरान खान साहब हो, या आपके जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी, इन सब लोगों को पता है कि इस किस्म का वोटिंग का सिस्टम रहेगा, हमें किसी की मदद की जरूरत होगी, वो इसको निकालेंगे तो हम हुकूमत के अंदर आ सकेंगे। बाकी यूके अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे अब कह रहा है तो वो एक उसको अपना एक एक्सपीरियंस हुआ है। उसके अंदर भी आज मैं एक बंदे की सुन रहा था कि वो कह रहा था कि कोई शख्स मर गया उसका भी वोटिंग कास्ट हो रही है, तो वो फिर काफी बड़ा सिस्टम होता है जहां पर करोड़ों लोगों ने वोट कास्ट करना है, तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो गलती होती है। मगर ओवरऑल आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि जनाब 60 या 70% लोगों ने गलत वोट डाले, जबकि अमेरिका की जैसे आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका के अंदर तो इस वक्त जो टर्नओवर है, वोटिंग का टर्नओवर, वो इस वक्त रिकॉर्ड लेवल का हुआ है। इनकी हिस्ट्री के अंदर इतने ज्यादा वोट नहीं पड़े जितने इस बार इस इलेक्शन के अंदर वोट पड़े। तो इतने ज्यादा वोटों का टर्नओवर बढ़ जाने की वजह से बाइडन को फायदा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ट्रंप के वोटर्स तो निकल ही रहे थे, तो जो बाइडन के वोटर्स थे उनको पता था कि अगर इस बार हम ना निकले तो फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए वो ट्रंप फिर हमारे ऊपर आ जाएगा। तो आप 1% पे बेईमानी कर सकते हैं, 2% पे बेईमानी कर सकते हैं इस निजाम के अंदर, इस निजाम के अंदर और उस निजाम के अंदर 1% बेईमानी हो सकती है, 2% हो सकती है, 15% एक्स्ट्रा वोट की बेईमानी नहीं हो सकती। पोस्टल वोट मेजोरिटी में थे और पोस्टल वोट में खुले आप बहुत ज्यादा हो सकते नहीं है। पोस्टल वोट आपके पूरे इलेक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये COVID-19 की वजह से लोग बच भी रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वो पोस्टल वोट ज्यादा कर रहे थे। फिर भी पोस्टल का बड़ा फर्क पड़ता है। चले अगर अगर आप समझते हैं कोई सॉलिड आपके पास उनकी आ जाए तो अलग बात है, मगर पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेशन होती है, हर जगह होती है, मानने वाली हर जगह होती है, कहीं पे बड़ी साइंटिफिकली होती है, कहीं पे जरा थोड़ी ओपनली होती है, हर जगह होती है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा होती है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत ज्यादा होती है। इंडिया का मैंने अभी सिस्टम इतना देखा नहीं, मगर मुझे उनका निजाम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम है वो काफी ज्यादा अच्छा सिक्योर सिस्टम है, काफी ज्यादा अच्छा सिक्योर सिस्टम। लेकिन ये मसला है ना, जैसे पाकिस्तान में जो जितना बड़ा वडेरा है, जितना बड़ा वो है, वो ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, गरीब आदमी का काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारे सिस्टम। और इधर देखें कि उधर से लोग आते हैं, चाहे उनकी कास्ट जो भी हो, ठीक है ना, वो भी इज्जत के साथ इधर होते हैं, वो इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, उनको सोसाइटी में कोई इस तरह नहीं देखता कि ये लोअर कास्ट है, बड़ी कास्ट है, इस तरह। ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है ना, इंडिया में तो बहुत ज्यादा, हाँ इंडिया में बहुत ज्यादा है, अल्लाह पाक हिदायत दे। पाकिस्तान में बैक टू एग्री कि हाँ ठीक है कि उधर वो अमीरी गरीबी का थोड़ा सा है, पाकिस्तान में अमीरी गरीबी का है थोड़ा सा, वो भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो एलीट फैमिलीज हैं उन लोगों के अंदर है, जबकि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग या गरीब तबके के लोग हैं वो कभी किसी के अंदर फर्क नहीं रखते हैं। वो ठीक है, उनको पता है कि ये उस लेवल का है इस्लाम, मगर ये उनके अंदर ऊंची जात और छोटी जात का इतना ज्यादा, हाँ जात उस बात पे आप कहें कि राजपूत अराई ये वो अलग बात, ये वेरी लो लेवल की उसमें थोड़ा सा है। हाँ जी, लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि इंडिया में जितना वो कास्ट सिस्टम है ना, टू मच उसमें वो तो बहुत ज्यादा उनकी वो उनके मतलब के अंदर इंसल्टिंग हो जाती है। इधर मैंने देखा लोग आके बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो, ठीक है ना, चाहे उनकी कोई छोटी कास्ट है बड़ी कास्ट है, इलेक्शन में भी आते हैं, ठीक है, कोई उनको बुरी नजर से छोटी नजर से नहीं देखता, अनलेस के कोई पीछे से उनको जानता है तो वही उनको देखेगा, अदरवाइज सब उनको इक्वली इज्जत के साथ इस कंट्री में, क्योंकि इधर कानून है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, इक्वालिटी है। इंडिया का एक अपना एक निजाम है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो कुछ एक रिलीजियस टच भी है उसमें के अंदर, और वो हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर है कि वो बिल्कुल आप कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की सोसाइटी एक जैसी ही है,
हाँ वहां पर है जरा तबकात की वजह से काफी ज्यादा इंडिया के अंदर रखा जाता है, गुर्बत भी है, आबादी भी बहुत ज्यादा है, आबादी भी बहुत ज्यादा है, इंडिया की थोड़ी आबादी नहीं है, सोसाइटी एक जैसी नहीं है, सोसाइटी में बड़ा डिफरेंस है। इधर पाकिस्तान में जैसे आपने कहा अमीरी गरीबी की वजह से होता है थोड़ा, लेकिन उधर ये एक चुना हुआ 1 2 3 4 ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम आगे थोड़ा चलते हैं, अपनी बात को बढ़ाते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा बेटर है जिसके लिए कि लोगों की लाइफ अच्छी हो, क्योंकि बनते तो सारे इसलिए आते तो ख्वाब दिखाते हैं ना, ठीक है कि हम ये करेंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी लाइफ ऐसी होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है लोग ज्यादा से ज्यादा उनका वो हो रहा है, कोई इतना लाइफ अच्छी नहीं हो रही, देख रहे कि पूरी दुनिया में ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है या इधर नहीं है या उधर नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि हम कहीं पे अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं रख सके, हमें अपनी डायरेक्शन ठीक रखनी है, डायरेक्शन ठीक रखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होंगे, बेटर करने होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो रॉन्ग हैं। अथॉरिटी के पीछे जो भी भागता है वो अपनी कौम से भी बिट्रेल करने में देर नहीं करता, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, मनी के लिए, ठीक है, जो लोग इन चीजों की ग्रीड के लिए वो भागते हैं ना, वो ना अपने कंट्री का कुछ अच्छा सोचते हैं ना अपने लोगों का कुछ सोचते हैं, ठीक। तो इसी तरह हम एक कंट्री में लें या किसी पूरी दुनिया में देख लें, सबका जो एक फैमिली आ गई है जैसे पाकिस्तान में है तो फैमिली सिस्टम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मजा ले लिया है उस पावर का, उस अथॉरिटी का, उस पैसे का, तो वो उसी में चल रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोचते, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करें, उनको देखें कि हमारा मकसद गवर्नमेंट बनाने का सिर्फ ये हो कि हमारे फेलो सिटीजन्स जो हैं उनकी लाइफ बेटर हो, उनकी जिंदगी में खुशियां हो। तो ये कौन बनाएगा उनकी लाइफ, जो गवर्नमेंट बनाते हैं ना, ठीक है ना, वो ऐसे क्यों बनाएंगे, वजह क्या है, हो तो वो किस लिए आते हैं फिर गवर्नमेंट पे? वो देखें ये एक बड़ी, आपने खुद ही आपकी बात के अंदर मैं कह रहा हूं कि वो उनको मजा है ना, उनकी फैमिली टू फैमिली वो बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस है ना उनका फैमिली टू फैमिली, इसी बात को तोड़ने के लिए जो है ना अब नया सिस्टम, न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट वो कौन लेकर आएगा, ठीक है ना, अब उसके लिए सजेशंस दिए हैं, ठीक है, अब कौन लेके आएगा ये तो कोशिश करने से होता है ना, अगर हम इंसानियत से मुखलस हैं, अभी भी नहीं समझ आ रही हमें, एक साल से हम लॉकडाउन में हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है, या जंगें होती हैं, लोग मर जाते हैं, अभी भी हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि ये पैसा जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, खाना आपने वही कुछ है जो आपने खाना है, ठीक है, एक ही बेड पे सोना होता है, वो हर बंदे के पास अल्लाह ने दिया हुआ, एक छत के नीचे, यही मेन होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एवरीवन गॉट इट, तो उससे ज्यादा आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें कहां लेके जाएंगे, फिरौन को देख लें, फिरौन को देख लें, तो वो भी ऐसे ही चलें। अभी हमारी ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। The new NHS COVID-19 app immediately shows me the risk of coronavirus in my area, so I can warn Mel. It lets me quickly check into venues with a QR scanner, so I can protect Alid. It tells me fast if I've been in contact with other app users who have coronavirus, so I can alert Emma. It helps me protect all my loved ones, even Andy Sue. The more of us who get the app, the better we can control coronavirus. Protect your loved ones. Get the NHS COVID-19 app. Download now at Google Play or the App Store. Businesses, time is running out. From the 1st of January next year, if you do business with Europe, you're going to have to follow new rules. So there are definite actions we all need to take now. More to do, I know, but it's work that won't be wasted. It needs doing no matter what. And we haven't got long. Less than 3 months and counting. Check what your business needs to do now at gov.uk/transition. Check, change, go.
Here at Duncan Lewis Solicitors, we specialise in immigration and family law. We have a proven track record of successful applicants who we've helped secure permanent residency for. From spouse visas to seeking asylum, our expert advisors will assist you throughout the whole application process. We offer a free no-obligation consultation, so call us now on 0208 432 3350. That's 0208 432 3350. Or visit us at 298 Romford Road, London, E79HD. Nikah, talaq, counselling on matrimonial disputes, Islamic wills, Islamic law of inheritance, or an Islamic verdict on any other issue. The Muslim Sharia Council is at your service. We provide official certification and our experienced and highly qualified imams are available to provide you with guidance when needed. MQI London is based at 292 to 296 Romford Road, Forest Gate. We are open from Monday to Friday, 2 to 4pm. Or alternatively, call us now on 0208 257 1786. Super Best Meze Grill, the Turkish restaurant where all our food is prepared to perfection. Our mixed grill family platters include lamb shish, chicken shish, Adana kebab, lamb ribs, chicken doner, lamb doner, chicken wings and lamb chops. And all are served with rice, salad, along with a selection of our cold mezes. To see our full menu, go to superbestmezegrill.co.uk. For the perfect dining setting, visit us now at 21 to 23 Broadway, Stratford, E15 4B, or call 0208 555 335. Super Best Meze Grill. We're facing the biggest health challenge of our generation, and we've shown that together we're stronger than ever. But to keep making a difference, we need to support each other. If you're a man and you've had coronavirus recently, then you might just have the antibodies to help save lives in your blood plasma. That's why we urgently need men to donate. Giving blood plasma is safe and easy. Be the difference. Search Donate Plasma or call 0300 123 2323 today. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 07944 56 5616. That's 07944565616. Revive FM 94.0. On the radio, on your mobile, and online. Welcome back, Ji. Ji, Kamran Nawaz Sahab, कहाँ पे हम थे? उसको continue करें थोड़ा सा. चलिए आप 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 जो German system है जिसके अंदर governor चांसलर का सिस्टम उसको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ बताएं मेरे लम्बे तो नहीं क्योंकि है अभी हमने बात की कि पार्लियामानी सिस्टम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आप आपने डिसएग्री किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म से तो मेरा डिसएग्री है इस प्राइम मिनिस्टर वाली फॉर्म से क्योंकि इसमें अननेसेसरी बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए आते हैं के पावर के लिए अथॉरिटी के लिए ये नहीं होता कि लोगों की हालत बदले बहुत अरसा हो गया दुनिया को तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहे इट मींस होल वर्ल्ड नीड टू चेंज दे हैव टू फाइंड समथिंग न्यू ताकि कोई चेंज आए लोगों की जिंदगी बेटर हो तो अभी चांसलर वर्ड जो है ना वो एक हाईली एजुकेटेड फील देता है क्या ख्याल है आपका कि एक चांसलर जो है वो एक हाईली एजुकेटेड लोग वो फील थोड़ी सी देता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो एक थोड़ी सी प्राइड और थोड़ा सा समथिंग यू नो एक उस तरह लगता है तो आई थिंक कि चांसलर वर्ड्स इज गुड कोई भी वर्ड्स दे लें लेकिन वो जैसे कि ऐसे आए लोगों की वो खिदमत के लिए आया अगर वो सिर्फ पावर के लिए आया अथॉरिटी के लिए आया अपने घर को भरने के लिए आया है तो दैट्स नॉट गुड आपने बहुत घर भर लिए यार अब लोगों की जिंदगी के बारे में भी सोचें कुछ तो ताकि दुनिया में अमन भी हो प्यार भी हो मोहब्बत भी हो हम सारे इधर एक ट्रेवलर हैं शॉर्ट टाइम के लिए वी आर हियर वी आर नॉट द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ये आपकी बात दुरुस्त है कि चांसलर का लफ्ज जो है ना वाकई एक बड़ा एक अच्छा लफ्ज लगता है इसमें कोई शक नहीं है मगर मैं इसके ऊपर फिर थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए ये कहूंगा कि देखें पहले लफ्ज यूज होता था पाकिस्तान के अंदर खादमे आला पंजाब जी जी ठीक है वो भी एक बड़ा अच्छा उन्होंने दिया कि मैं अपना अवाम का खादिम हूं उससे एक चीज तो चले वाजे हुई ये चांसलर का लफज और खादिम आला पंजाब का लफज
कि लोगों के अंदर थोड़ा सा एक चीज का एहसास हुआ कि ये लोग जो सियासत के अंदर आए हुए हैं, दे आर हेयर टू सर्व अस, सर्व इन अ वे टू मेक आवर लाइफ बेटर, दिस इज देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट, विच अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान दे आर नॉट डूइंग इट एनी मोर। और बाकी चांसलर ये सिद्धार्थी, अब आपको फिर वो, मैं ये नहीं, मैं किसी सियासी जमात को हकीकत में पसंद नहीं करता इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर है, किसी भी सियासी जमात को आप नहीं, हम सियासी जमातों की बात नहीं कर रहे जी, मगर मैं आपको मिसाल, क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर बात हो जाती फिर हम मिसाल हमें देने, नहीं जनरल करें, पूरी वर्ल्ड की बात नहीं छोड़े, पाकिस्तान की बात हमने कर ली, अगर उधर लोग जो है वो इतना वो नहीं है, फिर वो सेहत परस्ती है, करप्शन भी है, अब ये जो चांसलर वर्ल्ड की बात करते हैं, चांसलर का जैसे वो सिस्टम बताया, ये भी एक एक शख्सियत के हाथ में होता है कि वो कितना ईमानदार है और वो कैसे ईमानदारी से आगे इस सिस्टम चलाता जाता है। फिर आप यहां का यूके का पार्लियामानी निजाम देखें, या जर्मनी का सिस्टम देख लें, या अमेरिका का सदारती निजाम देख लें, अमेरिका का मैं कहूंगा फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप यूके का देख लें, तो ये लोग सबके सब ग्रास रूट लेवल से ऊपर वजीर आजम तक आते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं होता है कि ट्रंप के पास जैसे पैसा था तो उसने वो सीधा सदारती निजाम के लिए लड़ा और पहुंच गया। अगर आप यूरोप में और इन लोगों में देखें तो ये पहले ग्रास रूट लेवल से उठते हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वो ग्रास रूट लेवल, क्या मतलब आपका ग्रास रूट, ग्रास रूट लेवल का मतलब यह है कि आते कैसे पाकिस्तान के अंदर बलदियाती निजाम नहीं है, अब ठीक है मौजूद है मगर उसको चलाता कोई नहीं, कोई भी उसके अंदर है ही नहीं, चाहते नहीं है कि बलदियाती निजाम बने। एक मिनट, मुझे थोड़ा भाई इस पे थोड़ी सी ना बात बड़ी अहम आई है कि किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का होना, वो बड़ा फंक्शनल होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसी के ऊपर देखें, अब अगर पाकिस्तान के अंदर बलदियाती निजाम हो, फर्ज करें कि एक 23 या 24 साल का लड़का या 25 साल का लड़का काउंसलर बनता है, 5-6 साल उधर वो सियासत करता है, 30 साल की उम्र या 40-45 साल की उम्र के अंदर वो उस इलाके का चेयरमैन बनता है, फिर उसको मौका मिलता है कि मैं वहां का एमएनए बनूं, ये तो एमएनए कैरियर की बात कर रहे हैं ना, वो तो कैरियर पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन हो, मैं कैरियर पॉलिटिशियन की बात नहीं कर, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि वो लोग ग्रास रूट लेवल से निकल कर आते हैं, उनको पता होता है मेहनत क्या करनी है और कैसे पहुंचते हैं, मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है, नेपोटिज्म है, वो एक बच्चे ने सोने का चमचा उठाया वो सीधा ही एमएनए बनेगा और बन जाएगा वो क्या कहते हैं वजीर आजम। अब इन लोगों को जो ग्रास रूट आपकी जो नीचे है, इन लोगों को इन लोगों की तकालीफ का इलम ही नहीं होता, इन लोगों के मसाइल का इलम नहीं होता, तो इन लोगों के मसाइल का जब आपको इलम ही नहीं होगा तो आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कौन सा निजाम बनाएंगे। मुशर्रफ के दौर के अंदर एक जो जिसे मैंने पसंद किया, इसने जो एक सिस्टम बलदियाती थोड़ा सा चलाया था जिसको हम जिले नाजम कहते हैं, और जिले नाजम होता था और बलदियात के वो जो काउंसलर के नाजम होते थे वो भी होते थे, उन लोगों ने वो एक सिस्टम इसने बनाया था, बहुत अच्छा सिस्टम था, मगर वो फिर इन्होंने बंद कर दिया। अगर वो सिस्टम चलता रहे तो आपके एक तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर से नए लोग, जैसे यहां से लोग निकल के ऊपर आ जाते हैं तो वहां से भी लोग नीचे से निकल के आपकी पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, और सेकंडली वो आपके जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो आपके लोगों के मसाइल होते हैं उनको हल करेंगे। अब जो है हमारा पाकिस्तान पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, और अब पीटीआई के दौर में, ये कोई भी लोग जो है बलदियाती निजाम, जो कि किसी भी सिस्टम की, किसी भी दुनिया के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होती है बुनियाद, लोगों को बुनियादी सहूलतें देने के लिए, अगर मोहल्ले की, अगर गली की नाली टूटी हुई है तो वो एमएनए ने नहीं बनवानी, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बलदियात की जिम्मेदारी है जो बनाएंगे, वो सिस्टम नहीं दे रहे। थैंक यू। तो ये चीजें जो है ना हमारे उधर तब्दील होने वाली है, सियासतदान इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी बात ये है कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को काम करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जहां भी जिसमें भी पैशन हो कि वो इंसानों के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो उसको आगे आना चाहिए। अगर कैरियर पॉलिटिशियंस होंगे तो वो फैमिली टर्म उसी तरह चलता रहेगा, फिर बंदा कहेगा मेरा भाई आ जाए, वो आ जाए, आगे वो नस्ल इस तरह चलती है। हम अब बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो है अभी तक एक पॉजिटिव चेंज पूरे इंसानियों या जिस किसी भी कंट्री को ले लें उसमें एक पॉजिटिव चेंज, एक अच्छी लाइफस्टाइल, चंद एक हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री के,
स्वीडन ले लें, नॉर्वे ले लें, उनके अलावा जो है पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री में आप चले जाएं लोगों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। एजुकेशन ट्रेड बन गया है, ठीक है ना। एजुकेशन में पैसा लगाएं और एजुकेशन हासिल करें, बाद में लोग नौकरियां ढूंढते रहते हैं। तो ये ऐसा एक सिस्टम, हमें न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना। सबको देखना चाहिए कि इसको कैसे बनाना चाहिए। बुक्स मैंने दो लिखी हुई है इसके ऊपर, व्हाइट थर्ड वर्ल्ड वॉर भी है और ये न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट भी है। व्हाइट थर्ड वर्ल्ड वॉर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी जो ये इलेक्शन हुए हैं तो आप देखेंगे कि अब रिजल्ट्स क्या निकलते हैं जो बाइडेन के बाद, ठीक है। लव्स कहने और हैं, एक्शंस दे आर डिफरेंट। हम देखेंगे कि इसके एक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई मुस्लिम कंट्री किसी पे भी अटैक नहीं किया, उनको नहीं मारा, ठीक है। उसने बल्कि फौजें वापस भी बुलाई जैसा भी था। अब हम देखेंगे इसके एक्शंस क्या हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था, इसने मुस्लिम बैन, वो एक डिफरेंट चीज है। वो अपनी कंट्री में उसने लगाया था, ठीक है, लेकिन किसी मुस्लिम कंट्री पे उसने हमला नहीं किया। मगर ये भी डिस्क्रिमिनेशन, उसको ये पता था कि ये गलतियां तो होती है ना, उसको ये पता था कि मोनेटाइज कैसे करते हैं। ही नोज हाउ टू मोनेटाइज। वो जाके वैसे पैसे उसने किंग से भी लिए, उधर से भी, मतलब वो पैसे ले आता, अपना बिजनेस कर लेता, हमला किसी कंट्री पे भी नहीं किया, ठीक है। अब इसकी एक्शन हम देखेंगे कि ये क्या करता है जो बाइडेन, लेट्स सी। क्योंकि लफ्जों पे नहीं यकीन, देखना चाहिए कि रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट हो जिससे लोगों की लाइफ जो है उनमें वेलफेयर हो, उनकी लाइफ अच्छी हो, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। आप किस किस्म के सिस्टम की बात कर रहे हैं? वो मैं अभी हमने तीन डिस्कस किए, पार्लियामेंट से तो अब देख लें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी कोई इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। पार्लियामेंट तो आप देख लें ना, क्या क्या यहाँ का निजाम जिंदगी अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे तो इट्स बेस्ट, लेकिन बट स्टिल आप देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा काफी बहुत सारे लोगों की इधर लाइफ जो है वो टू इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी अमेरिकन से मिलें तो वो आकर आपको कहेगा कि यूके का एनएचएस का सिस्टम बेस्ट है। मिसालें दे रहा हूं, अगर आप यूरोपियन फ्रांस के लोगों से मिलें या क्या कहते हैं आप रोमेनिया या इस किस्म के लोगों को मिलें तो वो भी आकर आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये इन्होंने खोला था, यह हमारे पास टाइम रह गया जी, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। बात हम कह रहे थे इन जनरल सारे मिलके बैठे और एक अच्छा सिस्टम डेवलप करें। दो बुक्स मेरी है, न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाइट थर्ड वर्ल्ड वॉर, इनको भी पढ़ के उनमें से भी, क्योंकि मैंने अपना कंट्रीब्यूट किया, इस तरह बाकी लोग भी अपना अपना कंट्रीब्यूट करें तो इंसानियत की भलाई के लिए सोचें, ठीक है, कोई शक नहीं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, जंगे ना हो, लोगों की लाइफ जो है वो खराब ना हो, उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, खुशी हो, उनकी डायरेक्शन ठीक हो, ठीक है जी। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं भी अपने लिसनर्स से कहूंगा कि हमारी आज की डिस्कशन काफी अच्छी रही। उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को हमारे ये जो पार्लिमानी और सदारती निजाम के ऊपर एक डिस्कशन की गई उसको वो पसंद करेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर जी, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह, दिस टाइम 4:00 9 to 4 FM। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।